नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। सरीला तहसील के भेड़ी डांडा गांव के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने को मजबूर हैं। इस गांव में दो ट्यूबवेल और लगभग 15 साल पुरानी एक पानी की टंकी भी मौजूद है, लेकिन बीते एक साल से गांव के 90% लोग आज भी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव की पुरानी लाइन जर्जर हो चुकी है और मेन लाइन चौक हो जाने के चलते लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र भी दिया था, लेकिन आज तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि विभाग ने कनेक्शन तो कर दिए थे, पर पानी अभी तक उन्हें नहीं मिला है। आने वाले वक्त में देखना होगा आम नागरिक को जल विभाग जल्द से जल्द पानी उपलब्ध करवा पाता है या नहीं। इंडिया खबर लाइव के लिए पंकज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सर, ग्राम भेड़ी की जो पानी की समस्या है, लगभग एक साल से गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में जल निगम की मैं जानता हूं घनघोर ये माल लापरवाही है, और कई बार जो इसके पहले जो जी साहब थे उनसे भी मेरी कई बार वार्ता हुई, उन्होंने आश्वासन देते रहे सिर्फ काम नहीं करते कभी, और यही साहब को अगर फोन लगाया जाए तो यही साहब फोन भी नहीं उठाते हैं। यहाँ पर कोई कर्मचारी भी नहीं रहता, कोई प्राइवेट व्यक्ति यहाँ पर अपना काम करते रहते हैं, और ज़्यादा करके ये मानिए कि पूरे गांव में पूरी लाइन ध्वस्त पड़ी हुई है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से ये मानिए कि आपके एक दो लाइनें चल पा रही हैं, और हर जगह पानी की प्रॉब्लम है। टंकी के बने हुए लगभग 15 साल से कम लगभग बने हुए हैं, तब से ये समस्या लगातार चली आ रही है। कभी लाइन फटा, कभी चौक, कहीं कुछ। अभी हमने चैत्र नवरात्रि में यहाँ पर विशाल मेला लगता है, उस समय मैंने कई बार यहाँ सुमित जी थे पहले जेई, उनसे भी मैंने कई बार फ़ोन से अवगत कराया कि जेई साहब यहाँ पानी की बहुत घनघोर समस्या है और आप यहाँ पे लीकेज सुधरा दीजिए जिससे पानी कायदे से जाए। तो एक तो बर्बादी पानी की होती है और सुधराते भी नहीं है, लीकेज भी नहीं सही करते, जगह जगह सब पूरी पाइप भी फटे हैं। मिश्रा जी, ये बताइए कि यहाँ पर ये जल निगम द्वारा ये नल लगा हुआ है तो कब से पानी नहीं मिला है और क्या समस्याएं हैं? एक साल से पानी नहीं आ रहा, पूरी लाइन चौक पड़ी है, अधिकारी कोई सुन नहीं रहा। SDM को कहा, 76 में भी फोन किया, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा मोहल्ला परेशान है, पानी आता ही नहीं है। कितनी दूर से पानी लाते हैं आप लोग? 150 मीटर से। मैं काम करता हूँ, ट्यूबवेल चलाता हूँ, सप्लाई देता हूँ। यहाँ पे पानी की क्या समस्या है गांव वालों? गांव की समस्या ये है कि एक साल हो गए, 100% में 10% पानी पहुँचता है गांव में, बाकी लाइन सब जस्ट। क्यों नहीं पहुँचता पानी? पानी सब खराब लाइन पड़ी है, और जय साहब आए थे रतनाथ विश्वकर्मा, उनसे भी रिपोर्ट लगाई थी, बोले हम लाइन डरवा देंगे, उन्हें यात्री लाइन नहीं डरवाई। अच्छा। उनसे पहले जय आए थे, उनसे भी रिपोर्ट। जय आते हैं कभी कभार यहाँ देखने? विश्वकर्मा जी कभी नहीं, कोई जय नहीं आते। फोन उनसे बात होती है आपकी? हाँ, 100% में 10% पानी पहुंचता, बाकी सब लाइन खराब। एक साल से पानी नहीं पहुंचता? एक साल हो गए पानी गए, तुम क्यों? अच्छा, तुम्हारी क्या समस्या है यहाँ? हमारी समस्या है कि हम मजदूरी करते, हमारे बच्चा भूखे मरते, हमारी मजदूरी तक नहीं मिलती है। 15 साल से हम टंकी की सप्लाई देते हैं जलालपुर भेड़ी की, और ट्यूबवेल चलाते हैं, और वो भी नहीं आज तक हमको मजदूरी मिलती है। किससे किससे शिकायत की आपने, क्या समस्या किससे बताई? शायद कई बार शरीर में दी। अच्छा, हमें कोई हमारी कोई सुनता नहीं है। अब ग्राम भेड़ी का निवासी हूँ मैं। अच्छा, तो ये जल निगम की जो टोटियाँ लगी हुई हैं, इससे आप क्या समस्या हो रही है? सर, समस्या ये है कि लगभग एक साल से गांव में 100% में से गांव के बाहर ही जो 10% लोग हैं उनको पानी मिल पा रहा है, और गांव में 90% लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर पानी के न मिलने का कारण ये है कि यहाँ 20 साल पहले जो पाइपलाइन डाली गई थी, उसी पाइपलाइन के द्वारा यहाँ सप्लाई की जाती है, जो वो पाइपलाइन बुरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, जगह जगह पर वो जर्जर हो चुकी है, और पानी की जो है कि लीकेज करता है। गांव में पानी नहीं आ रहा जल निगम की लापरवाही के कारण, इससे आपको क्या समस्या हो रही है? यहाँ हम बहुत परेशान हैं, और एक साल से नल की टोटी नहीं आ रही है। एक ही मारे हम लोटा लेके या घड़ा लेके भर लेते थे, तो अब वो हमसे वो नल नहीं चल पा रहा है। एक साल से हम बहुत परेशान हैं पानी के। आपसे नल क्यों नहीं चल रहा है, समस्या क्या? एक हाथ के आदमी कहाँ से चले, यहाँ 200 फुट पे पानी निकल रहा है। कितने साल से नल नहीं आए? एक साल से। शिकायत की किसी से? हाँ, जल्द में सीखी, वो कोई सुनाई नहीं दे रहा है।